आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का राजधानी पटना आगमन और राबड़ी आवास के बाहर फूलों की बारिश। यह है राबड़ी आवास और यहां पर राबड़ी समर्थक लालू यादव के समर्थक जुटने लगे हैं, क्योंकि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव राजधानी पटना वापस लौट चुके हैं। फूलों की बारिश कर रहे हैं, फूलों की बारिश इसलिए कर रहे हैं कि आप जैसे मीडिया कर्मी इतने धूप में एयरपोर्ट से लेकर आदरणीय लालू प्रसाद जी के आवास पर खड़े हैं, और बिहार की जनता जो इस बात का उम्मीद और आशा में थी कि आदरणीय लालू प्रसाद पटना पहुँचें, और जो सेकुलर मिजाज के लोग हों उनको एकजुट करें और सांप्रदायिकता का विचार रखने वाले लोग को नष्ट नाबूद करें, यही आदर्श है उनका, यही उनका किरदार। लालू यादव राजनीतिक तौर पर काफ़ी सक्रिय नज़र आते थे, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद एक बार फिर लालू यादव राजनीति में अपनी भूमिका निभा पाएंगे उस तरह से? शेर है लालू यादव, शेर है, शेर थे और शेर रहेंगे। जब तक बिहार वासियों का सोसेज बनती समाज के सभी वर्गों का ताकत उनके साथ है, कोई माइका लाल उनका बाल बाका नहीं कर सकता। किंग मेकर कहा जाता है लालू यादव को, क्या तेजस्वी यादव को सीएम बनाएंगे? बिल्कुल, बिहार की जनता, बिहार के कार्यकर्ता, बिहार की आवाम उनको सीएम बनाएगी। उनमें क्षमता है, एबिलिटी है गरीबों का अधिकार लड़ने का, इसमें कोई शक शुबा नहीं कि 2025 में आज के उप मुख्यमंत्री 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री बनेगा। आदरणीय नीतीश कुमार का भी आशीर्वाद उनके साथ। निश्चित तौर पे लालू यादव को किंग मेकर कहा जाता है, क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे? लालू जी किंग मेकर ऑफ इंडिया, वो इंडिया के किंग मेकर थे और इंडिया के किंग मेकर रहेंगे। बिहार तो उनके मुट्ठी में है, बिहार तो लालू यादव के मुट्ठी में है, मुट्ठी में बिहार है ऐसा कहा जा रहा है उनके समर्थकों का। किंग मेकर है तो क्या तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बनाएंगे, और बिल्कुल आप लोग को मिठाई भी खिलाएंगे, बहुत जल्द आप लोग को मिठाई खिलाने की टाइम देंगे, आप देखिएगा। देखिए हाथों में लालू यादव की तस्वीर है, हाथों में आरजेडी का झंडा है, और यह जगह है राबड़ी आवास, और लालू यादव राजधानी पटना पहुंच चुके हैं, इसीलिए यहां पर उनके समर्थकों की भीड़ लगी है। कितनी खुशी महसूस हो रही है? हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत उत्साहित हैं। हम लोग के लिए ईद, दशहरा और दिवाली, होली सब है, आज ही के दिन है, और गरीबों के मसीहा स्वस्थ होकर बिहार की धरती पर आए हैं, इसलिए हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं, बहुत खुश हैं। कितनी खुशी महसूस होती है? बहुत खुशी है दिल में। एक बात कहना चाहते हैं, देश का चाणक्य कौन है ये आने वाले 2024 के चुनाव में पता चल जाएगा। वो एगो थड़ी पार बैठा हुआ है, केंद्र गृह मंत्री बैठ के वो अपने आप को बोलता है कि मैं चाणक्य हूँ, अचानक कौन है वो पता चल जाएगा 2024 में। तो निश्चित तौर पर देखिए तमाम समर्थक हैं लालू यादव के जो राजधानी पटना के राबड़ी आवास पर जमे हुए हैं, और लालू यादव का यहां पर स्वागत करने पहुंचे थे। देखिए ये एक वृद्ध व्यक्ति हैं और साइकिल पर इन्होंने पोस्टर लगा रखा है, गरीबों की आन भारत के महान, राजद के शान लालटेन की पहचान, शेरे हिंदुस्तान लालू नहीं है तूफान, यह विश्व चर्चित नेता है महान, इनको पुकार रहा हिंदुस्तान, लालू नहीं यह आंधी है, यह भारत का दूसरा गांधी है, लालू नहीं फकीर है, यह भारत का तकदीर है। और जो छोटे छोटे दो कॉलम बनाए गए हैं उसमें लिखा है, चटनी चटपट कितनों बनी उ तरकारी न बनी, नेता कितनों बरका होई हो लालू राबड़ी न होई, करोड़ों करोड़ जनता का फूल लालू पर बरसे, सब किसी का दिल लालू से मिलने को तरसे, लालू के सेना नायक सत्येंद्र कुमार राय। यह व्यक्ति इस कड़ी तपती हुई धूप में राबड़ी आवास के बाहर मौजूद है, इनकी उम्र को देखिए, इनकी साइकिल को देखिए, लेकिन उत्साह वही है, आंखों में जोश वही है, लालू यादव आ गए हैं, कितनी खुशी महसूस हो रही है? पूरा खुशी महसूस हो रहा है, लालू जी बिहार के धरती पर आज पैर रख दिए हैं, पूरा खुश माहौल है पूरा। लालू जी को किंग मेकर कहा जाता है तो क्या तेजस्वी यादव को वो मुख्यमंत्री बनाएंगे? अभी सुनिए, अभी मुख्यमंत्री का समय नहीं है, अभी हमको पहले लालू जी, हम लोग जैसे जेपी आंदोलन हुआ था उस तरह अब हम लोग लालू आंदोलन करेंगे और नरेंद्र मोदी सरकार को हटाएंगे। लालू जी यहाँ महागठबंधन का यहाँ मीटिंग होगा, वह किंग मेकर का काम करेंगे, इसीलिए वो यहाँ बिहार पधारे हैं।
जी तो निश्चित तौर पर देखिए राजधानी पटना के राबड़ी आवास के बाहर समर्थकों की भीड़ है और देखिए ये जो फूल है यह इस बात की गवाह दे रहा है कि यहाँ पर उनके समर्थकों ने उनके आगमन पर क्या फूले बरसाई है और जबकि समर्थक हाथों में आरजेडी का झंडा लिए उनका यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। लालू यादव पटना वापस लौट चुके हैं, कितनी खुशी महसूस हो रही है? खुशी दुनिया में जितनी है सब हमारे हृदय में आ गया है और खुशी बता नहीं सकते हैं और समझा नहीं सकते हैं। बस इतना बात जान लिए, लालू प्रसाद यादव वो शख्स हैं जो गरीब गुरबा जो मुर्दे लोग होते हैं जो जरी मानी जान होते हैं उन्हें जिंदा कर करके उनको उठा करके जीना सिखाते हैं और कपड़ा पहनाते हैं और होश मिलाते हैं और पहचान बनाते हैं। ऐसे लोगों को मुर्दों को जिंदा करने की वजह से आज लालू प्रसाद जाने जाते हैं। आज लालू प्रसाद यादव ने अपने पोस्टर लगा रखा है, इस पोस्टर पर बहुत सी बातें लिखी हुई है, हम चाहें कि जो बातें लिखी हुई है वो अपनी आप जुबान से बताएं। इसमें लिखा हुआ है मरते हैं आदमी सौ बार जन्म लेते हैं, मरते हैं आदमी सौ बार जन्म लेते हैं पर हिम्मत की कोख से माननीय लालू प्रसाद यादव जी जैसे व्यक्ति एक बार जन्म लेते हैं जो उनकी संघर्ष के नींव पर जिसकी इमारत खड़ी होती है उनको कोई डिगा नहीं सकती, चाहे जुमलेबाज चाहे झूठा पार्टी जितना भी तंग परेशान करेगा या सीबीआई भेजेगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनमें लिखा हुआ है कि सुरक्षा तेज नहीं लालू प्रसाद यादव जी में, दीपक सा जलता देखोगे। तो अपनी हद तौर पे ये उत्साह जो है वो राबड़ी आवास के बाहर लालू समर्थकों में देखी जा रही है। लालू यादव राजधानी पटना वापस लौट चुके हैं लंबे अरसे के बाद, सिंगापुर गए हुए थे किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, सफल किडनी ट्रांसप्लांट के बाद दिल्ली वापस लौटे तो अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती के सरकारी आवास पर उनका रुकना हुआ, डॉक्टरों की देखरेख में उनकी जिंदगी चल रही थी क्योंकि सख्त हिदायत थी कि इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है, इसीलिए सामाजिक दूरियां जो है वो बनी रहे लालू यादव और अन्य लोगों के बीच में। लेकिन इसी बीच खबर आती है कि लालू यादव पटना वापस लौटेंगे और लौट भी गए, आज राजधानी पटना वापस लौटे, राबड़ी आवास के अंदर गए तो राबड़ी आवास के बाहर आरजेडी समर्थकों की लालू यादव के समर्थकों की भीड़ जुट गई। आनंद मोहन की रिहाई होती है, लालू यादव का आगमन होता है और आगमन से पहले लालू यादव से मिलने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पहुंचते हैं तो अब देखना दिलचस्प रहता है कि बिहार में क्या कुछ सियासी खिचड़ी पकने वाली है क्योंकि लालू यादव भले बीमार चल रहे हों लेकिन बिहार में और देश में हो रही राजनीतिक घटनाक्रम से लगभग वो अपडेट होते रहे हैं। लालू यादव के करीबी जो उनके साथ रह रहे थे उनका कहना है कि लालू यादव उन तमाम जानकारियों को अपने जहन में रख रहे थे जो बिहार में घट रही थी, जो देश में घट रही थी, बिहार में चाहे वो नशीली और जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा हो, चाहे वो अन्य कोई भी घटना, चाहे वो शिक्षक और विद्यार्थियों का हड़ताल हो, चाहे वो राजधानी पटना के गर्दनीबाग धरनास्थल पर हो रहा किसी भी मुद्दे को लेकर हड़ताल, चाहे वो आनंद मोहन की रिहाई से जुड़ा कोई सवाल ही क्यों न हो, लालू यादव लगातार उन तमाम राजनीतिक और गैर राजनीतिक मुद्दों से अपडेट होते रहे हैं। तो अब जब राजधानी पटना वापस लौट चुके हैं तो देखना दिलचस्प रहेगा कि लालू यादव राजनीति में कितनी सक्रियता निभाते हैं क्योंकि जब पूर्णिया में महागठबंधन की रैली हुई थी तो उस वक्त लालू यादव वर्चुअल माध्यम से उस रैली का हिस्सा हुए थे और उन्होंने वहां से हुंकार भी भर दिया था कि महागठबंधन की सरकार बिहार से आगे अब देश में देखने को मिलेगी, हम लोग एकजुट होंगे। तो जो राजनीतिक सक्रियता लालू यादव ने दिखाई पूर्णिया रैली में वर्चुअल माध्यम से तो अब देखना दिलचस्प रहेगा कि राजधानी पटना पहुंचने के बाद लालू यादव राजनीति में कितना सक्रिय नजर आते हैं। बहरहाल राबड़ी आवास के बाहर मैं आपको वह तस्वीर दिखा रहा था कि किस प्रकार उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता, उनके चाहने वाले उनका स्वागत के लिए राबड़ी आवास के बाहर मौजूद थे। इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहें फर्स्ट बिहार के साथ। सहयोगी शैलेंद्र के साथ विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।